हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो बच्चे एनआईयूएस में एडमिशन ले रहे हैं तो वे जानना चाहते हैं कि क्लास टेंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट वो चूज़ करें, ठीक है, जिनको करने में बहुत आसानी हो। बाकी आप और भी चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं क्लास टेंथ में जो एनआईयूएस में कर सकते हैं, क्लास ट्वेल्थ के लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जो ग्रुप ए है ना, तो ग्रुप ए में आप एक या दो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा आप दो कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वन और टू लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे किसी बच्चे ने एक हिंदी ले ली, एक इंग्लिश ले ली, ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश ले ली, या किसी बच्चे ने इंग्लिश उर्दू ले ली, या किसी बच्चे ने उर्दू संस्कृत ले ली, या किसी बच्चे ने हिंदी और उर्दू ले ली, या हिंदी और संस्कृत ले ली, इस तरीके से। देखो ये जो है ना, ये यहाँ ये, इन सब का पेपर एक ही दिन होगा, तो आप इनमें से दो लैंग्वेज नहीं चूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर आप सोचें कि मैं तमिल और नेपाली ले लेता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पेपर एक ही दिन होगा। आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, इनमें से एक चूज़ कर ले और एक इनमें से चूज़ कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ कर ले, तो दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। फिर ग्रुप बी में आपको जो है तीन सब्जेक्ट और चूज़ करने हैं। देखो, पांच सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी होता है क्लास टेंथ में, मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है। पांच सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। कई बच्चों को मैं एडवाइस देता हूँ कि एक सब्जेक्ट एडिशनल भर दो, अगर किसी में कोई दिक्कत आ गई तो वो एडिशनल सब्जेक्ट मिलके पांच हो जाएंगे, एक फेल हो गए पांच बच्चे, तो आप आराम से टेंथ पास कर लेंगे। फिर आप इलेवंथ या ट्वेल्थ जहाँ करना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में रेगुलर पढ़ना चाहते हैं या फिर ओपन से करना चाहते हैं ट्वेल्थ क्लास, तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि आपने इसमें से दो लैंग्वेज चूज़ कर ली, फिर किसी बच्चे ने इसमें जो है वो SST ले ली, होम साइंस ले ली, पेंटिंग ले ली, ठीक है, तो कितनों के पांच, और एक ले ली डाटा एंट्री, बहुत सिंपल होती है, ठीक है। या किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप ले ली, या कोई भी इनमें से आप चूज़ कर सकते हो, पांच करो छः करो आपके ऊपर है। मतलब कम से कम आपको पांच सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, पांच सब्जेक्ट, सुन रहे हैं। तो दो लैंग्वेज ले ली और चार इसमें से ले ले, तो छः हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में रह जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर मैं हिंदी इंग्लिश लूँगा, ठीक है, और मैथ्स लूँगा, साइंस लूँगा, SST लूँगा, और मैं पेंटिंग ले लूँ, तो छः। तो आप ऐसा करो, कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, सुन रहे मेरी बात। तो आपको टोटल पांच पढ़ने होते हैं, मैं एक एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा करें, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे सब्जेक्ट को लेकर ही कमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे किसी के मन में हो कि सर मैं अकाउंटेंसी ले सकते हो, ले सकते हो, अगर इलेवंथ और ट्वेल्थ में अगर आपको अकाउंटेंसी कॉमर्स लेनी है, लेकिन आपकी परसेंटेज भी आनी चाहिए, नहीं तो फिर अगर नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।